करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण का 8वां सीजन शुरू हो चुका है और ये सीजन शुरू होते ही सुर्खियां भी बटोर रहा है। दरअसल पहले ही एपिसोड में हुई कंट्रोवर्सी के बाद अब इस शो की खूब जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है। बॉलीवुड के क्यूट कपल दीपिका और रणवीर सिंह बतौर इसमें गेस्ट पहुंचे थे, जहां दोनों की केमिस्ट्री ने एक बार फिर से सबका दिल जीता, तो वहीं दूसरी ओर कपल ने अपनी शादी को लेकर कई खुलासे किए, जिसे लेकर ट्रोलर्स ने दोनों पर निशाना साधा। हालांकि इस बीच करण जौहर ने इंस्टाग्राम लाइव किया, जहां उन्होंने अगले एपिसोड के गेस्ट को लेकर फैंस को हिंट दिया। इस दौरान करण जौहर ट्रोलर्स पर भी भड़कते नजर आए। दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया था कि वो रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में होते हुए दूसरे लोगों के साथ भी थी। एक्ट्रेस ने पहले एपिसोड में बताया कि डिफिकल्ट रिश्ते से निकलने के बाद वो सिंगल रहना चाहती थी, लेकिन वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एक्ट्रेस ने कहा कि हम दोनों टेक्निकली दूसरे लोगों से भी मिलने के लिए फ्री थे। इस बयान को देने के बाद दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पर काफी हेट मिली। वहीं ट्रोलिंग पर बोलते हुए करण जौहर ने कहा कि उन्होंने अब ये सब सुनना बंद कर दिया है, तो उधर अगले एपिसोड को लेकर भी फैंस को कुछ हिंट दे दिए। दरअसल पहले एपिसोड में करण जौहर ने खुलासा किया था कि अगले एपिसोड में किसी सिबलिंग की एंट्री हो सकती है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल इस चैट शो में शामिल हो सकते हैं।